हेलो ट्रेडर्स, शुरुआत करते हैं 3 ओवर चार्ट से। निफ्टी का लाइफ टाइम हाई 12428 से यहाँ से अगर हम देखें तो 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे पूरा हो चुका, और वेव 5 जो है वो मिनिमम प्रोजेक्शन उनके दोनों ही अचीव हो चुके हैं, और निफ्टी ने ओवरऑल लो बनाया है 7512 का, तो 61% से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट यहाँ पे हो गया है, मतलब कि एक्सटेंडेड जोन में है वेव 5, अगर हम इस वेव काउंट को सही मान के चले तो। और ये वेव 5 जो है स्टार्ट हुआ है 10159 से, उसको अगर हम नेक्स्ट चार्ट में देखें तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखा था, तो यहाँ पे 61% प्रोजेक्शन इसके इंटरनल वेव 5 का आ रहा था 7449 का, लेकिन निफ्टी ने लो बनाया 7512 का, तो ये यहाँ पे टच अभी नहीं हुआ है। और यहाँ पे निफ्टी एक कंफ्यूजन छोड़ के गया है कि ये वेव 5 पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसको अभी हम साइड में रखते हैं, और जो बाउंस है यहाँ पे 7512 से उसको हम नेक्स्ट चार्ट में देखते हैं। यहाँ पे इस बाउंस को अगर हम देखने की कोशिश करें तो इस चार्ट में से अगर क्या निकल के आ रहा है वो जानने की कोशिश करें, तो अभी के लिए यहाँ पे 8311 जो है वो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है यहाँ पे, और 8123 जो है यहाँ पे मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर 8219 से लेके 8123 के बीच में, ये सपोर्ट रेंज के बीच में अगर निफ्टी करेक्टिव डिक्लाइन देता है तो यहाँ से जो है फिर से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है, और वो बाउंस काफ़ी शार्प बाउंस भी हो सकता है। लेकिन अगर 8123 के नीचे निफ्टी 15 मिनट से ज़्यादा ट्रेड करता है तो फिर से हमें नए लो देखने को मिल सकते हैं 7512 के नीचे। तो बहुत ही सिंपल, इस चार्ट में से अगर हम जो चीज़ें निकल के आ रही है वो देखने की कोशिश करें तो 8311 के ऊपर निफ्टी पॉजिटिव है, और 8123 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो नेगेटिव है। जो भी है अभी के लिए सिर्फ यही है, तो इसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएं। ट्रेडिंग के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक, और अगर पैटर्न में जो जो भी चेंजेस आएंगे तो मैं रेगुलरली यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करूँगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।